पर भिजवाने की कथा करें कैटेगरी ए ना पड़े। मेरा सर्वज निवेदन है पेरेंट्स से कि वो बच्चों की तरफ ना बढ़े। वो अगर बच्चों की तरफ बढ़ेंगे तो फिर भीड़ भड़ाका हो जाएगा और किसी के चोट लग सकती है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट माने और जहां आप हैं खड़े रहें और पीछे हटना है जितना पीछे हट सकते हैं उतनी व्यवस्था में आता। प्लीज और पीछे हट जाए, यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स आगे बढ़ गए सर, पीछे हट जाए। हमारी 90% एनर्जी पेरेंट्स को मैनेज करने में लग गई है बजाय इसके कि हम बच्चों को मैनेज करें। तो पेरेंट्स से हमारी अपेक्षा है कि वो हमें कोऑपरेट करें। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बनाओ ना। नीचे पैर इधर करो, नीचे ऐसे नहीं नहीं, वो सीट ना ऐसे है, वो लंबी करनी है सीट। बेटा हाँ बना दो, चित्र बना लो उसके बाद युवराज क्लास फर्स्ट मीडियम स्कूल का बच्चा ये बात सुन रहा हो, सब लोग कृपया शांति बनाए और थोड़ा आवाज आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन लोगों की गाड़ियां नॉर्मली पार्क थी जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया था, वो व्यवस्था कर रही है, उन्होंने गाड़ियां हटा ली है और बाहर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। अब हमारे आते हैं कार्यक्रम स्थल पर, अब कंपटीशन प्रारंभ होने को है। यहाँ पे अगर आप कॉपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम उसी तरीके की व्यवस्था बनाने में सफल होंगे, ऐसा विश्वास है। तो कृपया शांति रखें और ध्यान से सुने। युवराज क्लास फर्स्ट डीएवी स्कूल का बच्चा, दूसरों का मत देखो, जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा। युवराज क्लास फर्स्ट डीएवी स्कूल का बच्चा है, हमारे वॉलंटियर को ध्यान दें। यदि किसी और कैटेगरी में बैठ गया है, बहुत छोटा बच्चा है, तो कृपया उसको एक कैटेगरी में भेजें और लाइन मई सत्तर जी की जानकारी में लाए। आयुष गौड क्लास फर्स्ट हरिडे पब्लिक स्कूल का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, ये भी हो सकता है किसी और कैटेगरी में बैठ गया हो, तो ये बच्चा किसी कैटेगरी में है तो ये भी अपनी कैटेगरी में आ जाए और हमारे लाइन वॉलंटियर्स कृपया ध्यान दें। ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है और पेरेंट भी चिंतित है, हम भी चिंतित है और मरीज मित्तल जी से संपर्क करा। यहाँ से
सत्ता करी देखते रहना ठीक है मैं देख लूँ पीहू नहीं पीहू काट करने दो आई काट दे दो ये बैठा हेलो बच्चे कैसे वापस जाएंगे इसकी व्यवस्था के अंतर्गत पेरेंट्स से निवेदन है ध्यान से सुने कैटेगरी ए अप टू क्लास फर्स्ट पेरेंट्स एनक्लोजर के बाहर है एनक्लोजर में वो जहां है वहीं रहे बच्चा स्वयं उन तक आएगा उनकी निगाह बच्चे पर है अपने अपने बच्चे सब देख रहे हैं और आगे ना बढ़े निवेदन है आगे ना बढ़े अगर आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी कैटेगरी बी कैटेगरी बी क्लास सेकेंड टू फिफ्थ ये अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे और इनकी जो शीट्स है इनका कलेक्शन 15 मिनट बाद होगा पहले कैटेगरी डी और कैटेगरी सी के बच्चे जो स्वयं जाएंगे जिनके बहुत कम पेरेंट्स यहाँ है वो पहले निकल जाएंगे इसके बाद कैटेगरी बी के बच्चे कैटेगरी बी जो का सेकंड से फिफ्थ तक है ये 15 मिनट बाद निकलेंगे ये वही बैठे रहेंगे वॉलेंटियर्स कृपया ध्यान दें इनसे शीट भी ना लें इनका टाइम माइक से मंच से दोबारा बताया जाएगा पेरेंट्स से भी निवेदन है कृपया वो अपने जगह पर वेट करें और फिर हम स्कूल वाइज रिक्वेस्ट करेंगे कैटेगरी बी में सबसे पहले डीएवी के बच्चे उनका नंबर सबसे बड़ा है तो डीएवी के पेरेंट्स बाहर खड़े हो सकते हैं और उन बच्चों को ले जा सकते हैं आप व्यवस्था बनाए रखने में हमें सहयोग करेंगे आपको भी और हमको भी बहुत आसानी होगी नहीं तो हम अपना गला सुखाते रहेंगे और व्यवस्था में दिक्कत होगी तो मेरा पुनः निवेदन है एक बार फिर सुन लें कैटेगरी ए के पेरेंट्स को अलाउ किया गया है कि वो एनक्लोजर के चारों तरफ खड़े हों और वो अपने बच्चे पर निगाह रखें लेकिन जहां पर खड़े हैं उससे आगे ना बढ़े बच्चा स्वयं उनके पास आएगा अगर सारे पेरेंट्स बच्चों की तरफ बढ़ गए उससे दिक्कत हो सकती है किसी बच्चे बच्चे छोटे हैं उनके चोट भी लग सकती है तो कृपया इंश्योर करें वहां पेरेंट्स कि अपने बच्चे को तो वो इबादत से ले हुई दूसरे किसी बच्चे को भी नुकसान ना पहुंचाए कैटेगरी बी क्लास सेकेंड टू फिफ्थ ये भी छोटे बच्चे हैं और इनका डिस्पर्सल 15 मिनट बाद होगा पहले सी और डी के बच्चे जो स्वयं जाने वाले हैं वो चले जाएंगे और कैटेगरी बी के बच्चे 15 मिनट अपने एनक्लोजर में रुके रहेंगे और उसमें सबसे पहले डीएवी के बच्चे जाएंगे पेरेंट्स यहाँ बाहर मंच के दाईं ओर खड़े हो सकते हैं इसी रास्ते से बच्चे निकलेंगे यहाँ से वो अपने बच्चे ले सकते हैं एनक्लोजर पर ना पहुंचे एनक्लोजर पर पहुंचेंगे तो व्यवस्था होगी डीएवी के बाद अन्य स्कूल के बच्चे लाइन से आएंगे पेरेंट्स यहाँ गैलरी में खड़े हो सकते हैं जहां सुबह खड़े थे यहाँ से एक बच्चे को ले जा सकते हैं अगर अब किसी को शंका हो या कोई किसी का प्रश्न हो